अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हियर इज़ प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी एंड यू आर वाचिंग काशान सर्विसेज एकेडमी। अजीज़ तुलबा, इंग्लिश BS3 के कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहुंचाई जाएगी। इसमें हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के सब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इसका सीरियल वाइज जो है डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के लिए स्पेशली ये लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, बट द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक पंजाब यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, दे कैन वॉच इट। तो आज जो हमारा दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वीक फॉर्म्स लेक्चर 1, दैट इज़ अबाउट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी BS English 3। दीज लेक्चर्स हैव बीन पर्टिकुलरली डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा BS English 3। तो इसमें आज ये आपके सामने देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की आउटलाइंस जो हैं वो हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और वो स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग COVID-19 सिचुएशन, हु आर ऑन हॉलीडेज, दे कैन कंप्लीट देयर कोर्स इजीली फ्रॉम दिस लेक्चर्स। तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की आउटलाइंस हैं, इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये आपके सामने जो हैं वो हैं द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, लॉन्ग वोवल्स, डिफथोंग्स एंड ट्रिफथोंग्स, वॉइसिंग एंड कॉन्सोनेंट्स, द फोनेटिक्स, द फोनीम, नेजल एंड कॉन्सोनेंट्स, द सिलेबल, स्ट्रेसिंग, सिंपल, वीक फॉर्म्स। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर अबाउट वीक फॉर्म्स एंड वी विल कम्प्लीट द होल वीक फॉर्म्स इन 2 lectures। यू विल फाइंड द सेकेंड वन। ओके, लेट स्टार्ट एंड वी विल कम्प्लीट ऑल दीज आउटलाइंस स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट इज वट आर वीक फॉर्म्स। वीक फॉर्म्स क्या हैं? देखें, वेन एवर द नेटिव स्पीकर्स स्पीक, जब वो बात करते हैं तो वो तेज़ी के साथ, रवानगी के साथ बात करते हैं और रवानगी के साथ जब वो बात करते हैं तो उसमें कुछ साउंड्स जो हैं उनके वो उनको खा जाते हैं, समटाइम खा जाते हैं, समटाइम उनको मिक्स कर जाते हैं उनकी साउंड को, तो वो आपको क्लियरली जो है वो सुनाई नहीं देते। तो वो साउंड्स जो अनस्ट्रेस्ड होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर वीक फॉर्म्स। वीक फॉर्म्स आर द सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन कनेक्टेड स्पीच। कनेक्टेड स्पीच का मतलब ये है जब वो काफ़ी ज़्यादा रवानगी के साथ इकट्ठा फिक्रों को, पैराग्राफ्स को तेज़ी तेज़ी से रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन करते हैं तो उस स्पीच को हम कहते हैं कनेक्टेड स्पीच। तो कनेक्टेड स्पीच में जो सिलेबल की साउंड्स अनस्ट्रेस्ड होती हैं वो वीक फॉर्म्स होती हैं, और जो अनस्ट्रेस्ड नहीं होती, जो स्ट्रेस्ड होती हैं, जो पूरी अदा की जाती हैं, जो अकेले लफ्ज बोले जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होती हैं। वीक फॉर्म्स आर द सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन कनेक्टेड स्पीच एंड आर ऑफन प्रोनाउंस्ड एज शुआ। शुआ इज अ साउंड, शुआ इज अ साउंड दैट इज अ साउंड, दिस इज अ वाउल साउंड। और वो किस में, वो फिर उनको अक्सर उन साउंड्स को जब अनस्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं श्वा में। इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड्स मैनिफेस्ट इन 2 ways इन स्पोकन फॉर्म। जब स्पोकन में बात चल रही होती है तो इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं दे आर स्पोकन इन 2 forms, 2 forms में वो बोले जाते हैं। दे कुड बी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक आप पहले ही आपको बता दिया है। दे आर स्ट्रॉन्ग वेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन साइटेशन फॉर्म। साइटेशन फॉर्म का मतलब यह है जब वो आइसोलेशन में बोले जाते हैं, जब वो अकेले बोले जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इन आइसोलेशन एंड इन इंस्टांसेस ऑफ कंट्रास्टिव स्ट्रेसिंग। जब कंट्रास्टिव स्ट्रेसिंग में आते हैं, मतलब कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, फोकस करते हैं बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, और जिन पर हम स्ट्रेस नहीं करते वो वीक फॉर्म्स हो जाती हैं और जिन पर हम स्ट्रेस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हो जाती हैं। हाउएवर व्हेन दे अकर इन सेंटेंसेस, जब वो साइटेशन में नहीं होते, जब वो आइसोलेशन में नहीं होते, जब सेंटेंसेस में होते हैं एंड देयर इज नो कंट्रास्टिव स्ट्रेसिंग, और जब वो सेंटेंसेस में होते हैं या जब वहाँ पर कोई कंट्रास्टिव स्ट्रेसिंग नहीं होती तो वो क्या होते हैं, दे आर वीक, वो वीक होते हैं। इन द सेंटेंस बिलो द फर्स्ट डू इज अ वीक फॉर्म एंड द सेकेंड इज स्ट्रेस्ड। देखिए, व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग। अब इसमें देखिए जो पहला डू है वो ग्रामेटिकल है, वो ग्रामर के लिहाज से डू डज का आप इस्तेमाल करते हो जो क्वेश्चन वर्ड्स में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में, तो
तो वहां पर डू और डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो डू उसके लिए वो ग्रामेटिकल है, और जो दूसरा डू है उसका मतलब है करना, दैट इज नॉट ग्रामेटिकल, दैट इज कॉन्टेंट वर्ड। देखिए दो किस्म के वर्ड होते हैं, वन इज स्ट्रक्चरल वर्ड एंड द अदर इज कॉन्टेंट वर्ड। स्ट्रक्चरल वर्ड वो होते हैं जिनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो सिर्फ फिक्रे की ग्रामर को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ग्रामेटिकल वर्ड्स भी कहलाते हैं, वो स्ट्रक्चरल वर्ड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि दूसरे जो हैं जो मेन कंटेंट कैरी करते हैं दे आर कंटेंट वर्ड्स। सो ऑफन वी स्ट्रेस द कंटेंट वर्ड्स एंड वी अनस्ट्रेस द ग्रामेटिकल वर्ड्स, सो ऑफन द ग्रामेटिकल वर्ड्स आर अनस्ट्रेस्ड आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स दे आर वीक फॉर्म्स। सो स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर ऑफन वीक फॉर्म्स, ये देखें वही बात आ गई, स्ट्रक्चरल वर्ड्स सच एज प्रपोजिशंस conjunctions, auxiliaries and articles are often pronounced in their weak forms since they do not carry the main content and are therefore not normally stressed. Learners can find them difficult to hear and this interferes with understanding. आप जो learners होते हैं जब गोरे बोलते हैं तो उसमें जो prepositions, conjunctions, in auxiliaries इनको सुनना मुश्किल हो जाता है. These are structural words, these are unstressed, these are weak forms. तो ये अंडरस्टैंडिंग में फिर मसला क्रिएट करते हैं। वी हैव सीन दैट द वाउल्स इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कैन सफर रिडक्शन। अमूमन कौन सी चीज रिडक्शन करती है, वो वाउल, वाउल को रिड्यूस कर दिया था, उसको खाया जाता है, वो वीक फॉर्म्स होती हैं। और किस में, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में, आपको पता है कि एक सिलेबल में एक ही वाउल होता है, और वो किस में रिड्यूस कर दिया जाता है उस वाउल को, या अ में, या ई में, या ऊ में, these three sounds in mein kar diya jata hai. Kaise aa gaya, aap example dekhiye. Mary at least has never pretended she could sing. Mary ne kabhi ye zahir nahi kiya ki wo ga sakti hai. No, this is the sentence, aur isme hum dekhenge ki kaun si weak form hai. To pehli weak form dekhen aap, pehli weak form hai re, Mary re. Ab isme ab weak form mein humne isko e kar diya. Acha, uske baad dekhen at, एट, एट होता है, एस कैट साउंड आनी चाहिए, लेकिन उस ए को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, शुआ में, ये देखें शुआ साउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया एट। उसके बाद हैज में भी ए साउंड आनी थी लेकिन हमने उसको शुआ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद शी, शी में लॉन्ग ई आता है शी, लेकिन हम उसको शी छोटे में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। एंड कुड, कुड में भी जो है हमने उसको चेंज कर दिया, जो आपका आना था उ साउंड जो है उसको हमने चेंज कर दिया शुआ में अ में। आर आल अनस्ट्रेस्ड, तो ये सारे जो हैं, अच्छा मेरी को आप छोड़ दें, री को छोड़ दें फिलहाल, आप देखें एट, हैज, शी एंड कुड आर आल अनस्ट्रेस्ड एंड हैव वीक वाउल्स, एंड सो दीज आर वीक फॉर्म्स। मेरी एट लीस्ट हैज नेवर प्रिटेंडेड शी कुड सिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक फॉर्म्स, एंड देर आर थ्री आर फोर वीक फॉर्म्स, एट, हैज, शी एंड कुड, और दीज आर ऑल अनस्ट्रेस्ड एंड ऑल आर वीक फॉर्म्स। So this was the first lesson, first lecture about the weak forms, in which you have studied that what are the weak forms, definition of weak forms, and then you have studied the grammatical words. They are mostly unstressed. Or stressed kisko, unstressed kisko kiya jata hai? Wo vowels ko kiya jata hai. Aur vowels jo hai wo unstressed hokar kiski taraf jaate hain? A, schwa, u, ya i. Ye teen jo hai inki taraf jo hai wo move kar jaate hain. A, i, u. और फिर हमने एक एग्जांपल ली, मैरी एट लीस्ट हैज नेवर प्रिटेंडेड शी कुड सिंग, और इसमें हमने देखा कि एट, हैज, शी एंड कुड, दीज आर अनस्ट्रेस्ड। सो इन द सेकंड लेक्चर वी विल हैव बी हैविंग सो मैनी एग्जांपल्स, एंड वी विल हैविंग सो मैनी वीक फॉर्म्स एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। सो कीप इन टच एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग समवेयर एल्स, और ताकि वो लोग भी इससे जो है वो इस्तेफादा कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।